नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 अगस्त 2021। इस डिस्कशन में हम 23 अगस्त 2021 के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए, आप इस डिस्कशन में हमने अगस्त 2021 के 50 टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। पहला क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2021 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो आंसर क्या होगा, पीयूष गोयल। अब ये कौन है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल। इन्होंने अभी हाल ही में 18 अगस्त 2021 को ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की जो 5वीं बैठक हुई इसको चेयर किया। तो पीयूष गोयल ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स, ब्रिक्स में कितने देश आते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्रिक्स में देखो 5 देश आते हैं। अब 5 देश कौन कौन से हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें लेटेस्ट है, मतलब सबसे आखिरी में जो ज्वाइन हुआ है, मतलब सबसे अभी जो क्या हम जल्दी में ज्वाइन किया है जिसने, वो साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों को मिलाकर बनता है ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति के 3रे चरण की शुरुआत की है? तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी एम जो है, एम ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। अभी जो इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इन सभी के बारे में हम इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये देखिए आप, हरियाणा, हरियाणा की बात करें तो प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम हरियाणा की सरकार ने लॉन्च की। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की। गुजरात के कच्छ जिले में एक गाँव है कुनरिया विलेज, वहां पर बालिका पंचायत का गठन किया गया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना लॉन्च की। आंध्र प्रदेश सरकार ने सोल्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया। उत्तराखंड सरकार ने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप को लॉन्च किया। ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इस अर्थक्वेक अलर्ट ऐप को लॉन्च किया है। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना लॉन्च की। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलार योजना लॉन्च की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना लॉन्च की। असम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री स्कीम को लॉन्च किया। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना लॉन्च की और राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना लॉन्च की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश सही आंसर है इस क्वेश्चन में। तो ये उत्तर प्रदेश का कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये तो था उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। अब ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन, ये देखिए आप, इसकी बाउंड्री नेपाल के साथ लगती है। ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। बाकी जो राज्य इसके साथ लगते हैं वो ये रहे आपके सामने, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। और एक इसमें यूटी भी है, दिल्ली। लखनऊ इसकी कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ ये मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मनीश्वर नाथ भंडारी। 75 जिले हैं लोकसभा की ऐसी सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं। अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7ों जिले नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस राज्य के चमोली जिले में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। चमोली जिले में एक गांव है माना गांव, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है,
जो विभिन्न प्रकार की औषधीय हैं और सांस्कृतिक इम्पोर्टेंट एल्पाइन स्पीसीज हैं उन सभी को कंजर्व करना और उनके जो हैबिटेट है वहाँ पर रिसर्च करना। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा, उत्तराखंड सही आंसर है। देखो उत्तराखंड के ना 5 6 पॉइंट और जान लेते हैं हम, कौन कौन से। सबसे पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वात्सल्य योजना इसको लॉन्च किया। दूसरा पॉइंट, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। थर्ड पॉइंट, भारत का पहला लाइकेन पार्क ये मुंशियारी एरिया में बना है, कहाँ पर, पिथौरागढ़ जिले में। फोर्थ पॉइंट, भारत का ही पहला पोलिंडर पार्क ये हल्द्वानी में बना, नैनीताल के हल्द्वानी में। पांचवा पॉइंट, पुष्कर सिंह धामी जो इसके मुख्यमंत्री हैं ये 11वें मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के। हरेला फेस्टिवल ये कुमाऊं रीजन में मनाया जाता है। सातवा पॉइंट, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन ये देहरादून में खोला गया। आठवां पॉइंट, ये उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। तो ये 8 पॉइंट आप याद रखेगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात हुई है उत्तराखंड की, तो ये है उत्तराखंड की लोकेशन, ये देखिए आप, इसकी बाउंड्री चाइना और नेपाल दोनों देशों के साथ साझा होती है, ये पॉइंट आप याद रखेगा। गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है और देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है, दो कैपिटल है यहाँ की। 9 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, बेबी रानी मौर्या राज्यपाल हैं। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। नैनीताल में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की बाउंड्री साझा होती है। किसको भारत रूसी आईटी एसोसिएशन IRITA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा ये होगा अनिरुद्ध बालाजी, ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, स्टीफन लोफेन इनको स्वीडन का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया। अभी अहमद की बात करें तो इनको इथियोपिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। एरियल हेनरी ये हैती के नए प्रधानमंत्री बनाए गए और पेड्रो कैस्टिलो ये पेरू के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। तो फोर्थ क्वेश्चन का ई आंसर सही है, अनिरुद्ध बालाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने द हाउस दैट जी बिल्ट नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी गई है सुरभि दहिया के द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, सुरभि दहिया। ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष तक 100 और भूकंप वेधशालाओं यानी अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरीज को जोड़ देगा। तो 2026 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उद्देश्य एक ये है, जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं इनसे जो भी नुकसान होता है अर्थक्वेक को, मतलब पहले से ही देखना कि कहाँ पर आएगा, किस प्रकार से आएगा और उससे कितना नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये 100 और अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरीज को जोड़ दिया जाएगा 2026 तक, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। देखो ये नेशनल पार्क काफी दिनों से न्यूज में है क्योंकि ये देश का पहला नेशनल पार्क बन गया है जो सैटेलाइट फोन को यूज करेगा। तो ये कहाँ पर है, ये आसाम में है। वैसे तो इसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में एक बार फिर से कवर किया गया है क्योंकि देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, आसाम। इनमें से किस राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो गुजरात सही आंसर है। अभी हाल ही में गुजरात की सरकार ने इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए 500 करोड़ पैकेज की अनाउंसमेंट की है। तो गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यह है गुजरात की लोकेशन, ये देखिए आप, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ भी ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है गुजरात। ये गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई, गांधीनगर राजधानी है। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है जिनमें से गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गिर नेशनल पार्क जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में एशियाटिक लायंस सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे और गुजरात में भी इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारंग सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क।
लेक की बात करते हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के किनारे पे हैं। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे पे हैं। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे हैं। कडाना डैम माही रिवर के किनारे हैं। तो ये तो थी गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई थी? देखो ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसने अभी हाल ही में अफगानिस्तान से, जहाँ पर तालिबानों ने कब्जा कर लिया है, वहाँ से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो बात करते हैं नाटो की। नाटो का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोलता हूँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये है क्या? ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें 28 तो यूरोपियन कंट्रीज हैं। कितने यूरोपियन कंट्रीज हैं? और दो इसमें नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज कौन कौन से हैं? एक तो अमेरिका और एक कनाडा। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में, और ये कहाँ पर है? बेल्जियम में है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, फॉर्मेशन कब हुई थी? तो ये हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। बस क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं इसके सेक्रेटरी जनरल की। इसके सेक्रेटरी जनरल ये कौन है? तो जेंस स्टॉल्टनबर्ग। जेंस स्टॉल्टनबर्ग ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। तो नाटो आप याद रखेगा, एग्जाम में ये ऑर्गेनाइजेशन पूछी जा सकती है। इनमें से कौन आईपीएल में खेलने वाला पहला सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनेगा? तो टिम डेविड। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये पॉइंट आप याद रखेगा। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा? असम से ही आंसर है। विश्व मच्छर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। अगस्त 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपूर्व चंद्रा। सही आंसर है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने कारखंडर योजना का अनावरण किया? तो जम्मू कश्मीर। सही आंसर है। खबरों में रहा माउंट मनीरंग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है। 2021 के लिए होरंग ग्लोबल 500 में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली? तो 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत हर वर्ष 20 अगस्त 2021 को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाता है, ये दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? ये आंसर आपको बताना है। न्यायमूर्ति विद्यासागर एम कैनाडे ने अगस्त 2021 में किस राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? किस राज्य सरकार ने भारतीय हॉकी टीमों के प्रायोजनों को और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक और 100 सीएनजी बसें खरीदने का निर्णय लिया है? हाल ही में वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया? राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।